अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिही व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما يبذلونها فاذا منعوها نزعها منهم فحولها الى غيرهم رواه الطبراني وحسنه الالباني। एक हदीस आपके सामने पेश की गई है जिसे इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ने रिवायत फरमाया है और शेख अल्बानी रहमतुल्लाह ने उसको हसन करार दिया है। रावी हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ ख़ास लोगों को सेलेक्ट करता है, मुंतखब करता है, बिन नियम, उनको नेमतें देने के लिए, दौलत देने के लिए, पैसे देने के लिए। यानी अल्लाह ताला जिन लोगों को मालदार बनाता है तो अल्लाह ताला के सेलेक्टेड बंदे होते हैं, अल्लाह ताला के मुंतखब बंदे होते हैं। अल्लाह हर किसी को माल नहीं देता है, कुछ ख़ास लोगों को, अपने बंदों में से ख़ास लोगों को फ़िल्टर करता है, छांटता है कि ये इस लायक हैं कि इनको माल दिया जाए। क्यों? लिमनाफ़िल इबाद, ताकि ये अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुँचाए। यानी माल देता है तो एक ड्यूटी भी देता है कि ये माल है तुम्हारा और ये काम है, इसको इस तरह से करना है। काम क्या है? बंदों को फ़ायदा पहुँचाना। किसी को दौलत मिली, पैसा मिला, तो समझो अल्लाह ताला की तरफ से उसे ड्यूटी मिली है कि वो उस पैसे से ख़ुद को फ़ायदा पहुंचाए, अपनी फैमिली को फ़ायदा पहुंचाए, अपनी कौम को फ़ायदा पहुंचाए, पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाए, सबका ख्याल रखे। ये अल्लाह ताला की तरफ से समझो उसको एक ड्यूटी मिली है और एक नेमत मिली है। आगे क्या है? आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि युकिरहुम फीहा, अल्लाह ताला उनके पास ये दौलत बाकी रखता है, मा यबज़लूनहा, जब तक वो खर्च करते रहते हैं। यानी जब तक उनके अंदर इन्फाक फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा है, ये सिलसिला उनके यहाँ पाया जाता है, तब तक ये माल, ये दौलत, ये नेमत उनके पास रहेगी, तब तक उनके पास रहेगी, वो दौलतमंद बने रहेंगे जब तक वो लोगों की भलाई करते रहेंगे, लोगों की देखभाल करते रहेंगे। आगे फरमाया कि फ़ैदा मनाऊहा, जब ये लोगों पे खर्च करना बंद कर देंगे तो नज़ाहा मिनहुम, अल्लाह ताला इनकी दौलत छीन लेगा। छीन करके, ऐसा नहीं कि छीन करके उसको ख़त्म कर देगा, इनकी दौलत छीन लेगा, फ़हव्वलहा इला गैरिहिम, और किसी और को दे देगा। इनसे छीन के अल्लाह ताला किसी और को, जो मालदार नहीं था उसको मालदार बना देगा। जैसे हम लोग देखते ना कि कोई आदमी कितना बड़ा मालदार था, अचानक रोड पे आ गया, और कोई आदमी रोड पे सो रहा था, अचानक वो बहुत बड़ा मालदार आदमी बन गया। तो ये अल्लाह ताला का जब ये कानून नाफिज होता ना कि एक आदमी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, उसको दौलत दी गई और दौलत का वो इस्तेमाल नहीं कर रहा था जिस इस्तेमाल के लिए अल्लाह ने उसको दौलत दी थी, तो अल्लाह ताला उसको छीन के किसी और को दे देता है। दूसरे अल्फाज में कहें कि अल्लाह ताला उसको रिप्लेस कर देता है, यानी उस दौलत का मालिक किसी और को बना देता है, उस आदमी को चेंज कर देता है, तब्दील कर देता है, रिप्लेस कर देता है। और ये बात आप गौर करेंगे तो कुरान में भी मौजूद है। चुनांचे कुरान मजीद में एक आयत है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, सूरह मोहम्मद में देखेंगे आप आयत नंबर 38, अल्लाह फरमाता है हा अंतुम हा उलाई तुदउना लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह, कि तुम ही लोग हो तुम्हें अल्लाह की राय में खर्च करने के लिए बुलाया जाता है, तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राय में खर्च करो, फमिनकुम मन यबखलू, तो तुम में से बाज़ लोग बखीली से काम लेते हैं, अल्लाह की राय में खर्च नहीं करते, पैसा उनकी जेब से नहीं निकलता। और फरमाया वमन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सिही, कि जो बखीली करता है वो समझो अपने ताल्लुक से बखीली करता है, समझिए अपना ही नुकसान करता है वो। वल्लाहुल गनी, अल्लाह ताला मालदार, अल्लाह ताला को पैसे की ज़रूरत नहीं है। अब यानी अगर तुमसे इन्फाक का मुतालबा किया जाता है तो मतलब तुम अपने भाइयों की मदद करो, अल्लाह को तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। व अंतुमुल फ़क्र, अल्लाह गनी फ़कीर तुम हो, अल्लाह ताला तो गनी है, बेनियाज है, फ़कीर तुम हो, तुम्हें ज़रूरत है। फरमाया व इन ततवल्लौ, कि अगर तुम नहीं माने ये बात, यानी अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, तुमने अल्लाह की राय में खर्च नहीं किया, ये कुरान की आयत है, देखें यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तो अल्लाह तुम्हारी जगह किसी और को बैठा देगा, नहीं तुम्हें रिप्लेस कर देगा, दौलत यही रहेगी लेकिन इसका मालिक बदल देगा। तो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अल्लाह तुम्हारी जगह दूसरों को ले आएगा,
तो मलाइकुन अमसालकुम, फिर वो तुम जैसा नहीं करेंगे, वो तुम्हारी जैसी हरकतें नहीं करेंगे। तो ये कुरान की आयत है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इन दोनों से ये पता चलता है कि अगर अल्लाह ताला ने नेमत दी है, माल की नेमत दी है, तो समझो अल्लाह ने आपको ये ड्यूटी दी है कि आप उसका सही इस्तेमाल करें। आप जितना चाहें पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जितना चाहें अपनी मनमानी खर्च नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने उसके जो उसूल ज़वाबित बताए हैं उसमें आपका जो हक़ है, आपकी फ़ैमिली का हक़ है, आपके रिश्तेदारों का हक़ है, आपकी कौम का हक़ है, ग़ुरबा मसाकीन का हक़ है, दीन के ताल्लुक से उसके हक़ हैं, सारे हकूक़ जुड़े हुए हैं। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इल्म हासिल करें और इस्लामी तालीमात की रोशनी में उसका तसर्रुफ़ करें। आप देखें कि आपने जो कमाया है अब उसको खर्च कैसे करना है। कमाने के ताल्लुक से भी आपको एहतियात रखना है कि गलत रास्ते से दौलत नहीं कमानी है, और ना आप आज़ाद है कि चाहे जहाँ से पैसा ले लें, और ना आप आज़ाद है कि चाहे जहाँ खर्च कर दें। आपको सही रास्ते से कमाना भी है और सही रास्ते से खर्च करना है। और क़यामत के दिन खुसूसी जो पांच सवालात होंगे उसमें से एक सवाल क्या है, वह अमालिही मिन अयना इक्तसबहू व फीमा अनफ़क़हू, कि उसके माल के बारे में सवाल होगा कि कहाँ से कमाया था और कहाँ पे खर्च किया, कहाँ से कमाया था और कहाँ पे खर्च किया, इसके बारे में खुसूसी सवाल होगा। मैं बात ख़त्म करूँगा ये याद दहानी करा के, मैं बार बार याद दहानी कराता हूँ कि विरासत का जो मसला है, हम लोग अपनी बहनों की जायदाद हड़प कर लेते हैं और सोचते हैं कि दुनिया में कोई कुछ नहीं बोलता है, हमारा समाज कुछ नहीं बोलता है, तो अब ये कोई बुराई की बात ही नहीं है। भाई अल्लाह के यहाँ जब हाजिर होंगे ना, तो अल्लाह पूछेगा मिन अयन इक्तसबू, ये जो तेरे पास एक बीघा खेत आ गया ना, एक मकान आ गया, कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया, तो तेरी बहन का था, तूने कैसे दबा लिया इसको, तूने कैसे हड़प कर लिया इसको, तो मिन अयन इक्तसबू, कहाँ से लिया हमने। इस दुनिया में हो सकता है कोई सवाल जवाब ना करे, लेकिन मरने के बाद अल्लाह ताला पूछेगा ये कहाँ से लिया था तूने, और फिर फीमा अनफ़क़हू, कहाँ से लिया और कहाँ खर्च किया। इसलिए अल्लाह ताला ने अगर माल की दौलत दी है तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम माल के जो हकूक़ हैं वो अदा करें। अगर ये हकूक़ अदा करेंगे तो इस बात की ज़मानत है कि इस नेमत में हम बरकरार रहेंगे, और अगर इन हकूक़ की अदायगी नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हमें रिप्लेस कर देगा। जैसे आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई ऑफिस है, आपका कोई कारखाना है, आपके यहाँ लोग काम करते हैं, आपने उनको जो काम सौंपा है अगर वो नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप उनको रिप्लेस कर देंगे, आप उनको बदल देंगे। ऐसा नहीं कि अपनी मनमानी करते रहो और आप उनको तनख्वाह देते रहो, तो अल्लाह ताला भी ऐसा नहीं होने देगा कि आप मनमानी करते रहो और आपको दौलत देता रहे, कुछ दिन तक देगा बाद में आपको ख़त्म कर देगा। ये पूरी दुनिया की तारीख, मालदारों की तारीख आप पढ़ें, पूरे मालदारों की तारीख गवाह है कि अल्लाह ताला ने उनको दौलत दी, लेकिन जब उन्होंने नाफरमानी की, सरकशी की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब भी आया, अल्लाह ताला ने उनको तहस नहस कर दिया। और कल आप देखें कितने लोग शाही तख्त पर बैठते थे, बादशाह हुआ करते थे, आज उनका परिवार कटोरा लेके घूम रहा है। आप पढ़िए तो बादशाहों की, पुराने ज़माने में जो बादशाह हुआ करते थे आज भी उनकी नस्ल मौजूद है, लेकिन कुछ नहीं उनके पास। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है। तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, तो हम अल्लाह ताला की इस नेमत की कदर करें और इस नेमत के ताल्लुक से जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं हम उसकी अदायगी करें, ताकि अल्लाह ताला हमें मज़ीद नेमतों से नवाजे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रियाए नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।